Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी Agilus Diagnostics. खुद को टेस्ट करते रहो. नारायणा की मेन रोड है, बिल्कुल चलता फिरता मार्केट का इलाका है. ऐसे इलाके में शाम को 7:15 बजे आप समझ सकते हैं सबसे बिजी टाइम होता है किसी बिजनेस का. ऐसे में एक शोरूम के अंदर हथियारों के साथ गैंगस्टर के लोग घुस रहे हैं. 24 गोलियां उन्होंने वहां अंदर चलाई हैं. मैंने देखा कार के बोनेट के अंदर भी छेद हो गए हैं. जो अंदर इनका आदमी खड़ा था बैठा था उसके सर पे उसकी कनपट्टी पे बंदूक रखी गई है. और एक्सटॉर्शन की कॉल्स इनको काफ़ी दिनों से आ रही हैं. छह पार्टनर हैं. ऐसा नहीं है कि बहुत कोई अमीर लोग हैं, कोई एक आदमी है जिसने अपना शोरूम खोल रखा है. छह पार्टनर्स ने मिल के एक शोरूम खोला है, मेहनत से काम कर रहे हैं. तो 5 करोड़ रुपए की फिरौती कैसे दी जा सकती है मेरी तो समझ के बाहर है. और आज इन लोगों को पुलिस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. मैंने तो उम्मीद की थी कि आज इस शोरूम पे मैं आता तो कई पुलिस वाले हथियारों के साथ यहाँ पे मौजूद होते. इनके घरों पे पुलिस वाले हथियारों के साथ मौजूद होते ताकि एक मैसेज गैंगस्टर्स को जाता कि दिल्ली पुलिस इनको प्रोटेक्शन देने के लिए तत्पर है. मगर इस तरीके से इनको अनाथ छोड़ दिया गया वो तब जब एक दिन पहले 24 गोलियां इनके शोरूम में मारी गई. दिल्ली के तमाम अखबारों में और टीवी पर ये खबर चल रही है कि फिरौती मांगने का काम दिल्ली के अंदर चल रहा है. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. कल हम लोग दिल्ली के उपराज्यपाल जी से मिलेंगे और उनके सामने मांग रखी है कि इस तरीके से गुंडागर्दी नहीं चल सकती. और मुझे बहुत दुख है ये बात कहते हुए कि यहाँ का जो बिजनेसमैन आज सोच रहा है कि मैं कहाँ चला जाऊँ देश छोड़ के. उनके मन में आज ये विचार आ रहा है कि आज सेफ्टी नहीं है तो हम देश छोड़ के चले जाएँ कहीं और बिजनेस करें. ऐसा विचार आना भी बहुत गलत है देश के लिए. हमें इन व्यापारियों को अपने इन भाइयों को दिल्ली में सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और दिल्ली के माहौल को ठीक करना पड़ेगा. और कल हम जो है उपराज्यपाल महोदय से मिलेंगे. ज़रूरत पड़ेगी तो फिर कमिश्नर साहब से भी मिलेंगे मगर इस माहौल को ख़त्म करेंगे. देखिए अभी तो मैं फ़िलहाल जो है स्पेशल कमिश्नर से बात करता हूँ. स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर की वो इनको सिक्योरिटी दें. बिल्कुल ठीक कहा आपने. इनके वर्कर्स भी इतने डरे हुए कि वो काम पे नहीं आ रहे. भाई कोई 15,000 रुपये की नौकरी के लिए गोली कोई ना खा लेगा तो इनके यहाँ वर्कर नहीं आ रहे. ये तो और ये सिर्फ इनका मामला नहीं है. पिछले 24 घंटों में 3 जगह इस तरीके से गैंगस्टर्स द्वारा गोलीबारी करके एक्सटॉर्शन की डिमांड की गई है. और ये तो वो लोग हैं जिनको एक्सटॉर्शन की डिमांड की जा रही थी और वो पैसे नहीं दे रहे थे. ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको एक्सटॉर्शन करके डरा के पैसा ले लिया गया है. आज दिल्ली के अंदर व्यापारी की हालत है. सर भाई आपकी बाकी व्यापारियों से भी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है? देखिए व्यापारी तो डरा हुआ है. जो व्यापारी हैं सारे यंगस्टर्स हैं. 6 नौजवान लड़कों ने मिल के पार्टनरशिप में काम शुरू किया है. प्री ओन्ड कार्स को दोबारा से रिफर्बिश करके बेचने का काम है. उनके मुंह से जो विचार निकले वो मैंने आपको बताया. उन्होंने कहा कि साहब हम तो यहाँ पे बेच के बाहर कहीं
किसी और देश में काम करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, इतना ऐसा विचार तो नहीं आना चाहिए, मगर ये हताशा है, ये आज की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था से उनकी हताशा है जिसकी वजह से वो ये सोच रहे हैं। और हमने उनको कहा कि नहीं, दिल्ली को ही सेफ बनाया जाएगा और अभी जो है स्पेशल कमिश्नर साहब से बात करेंगे। टाइम मांगेंगे या मिल गया, टाइम मिल गया? देखिए कल जो है एलजी साहब से टाइम मांगा जा रहा है, कल के लिए हमारे विधायकों का दल जो है एलजी साहब से मिलेगा और ठोस कदम उठाने के लिए कहेंगे। सिर्फ मिल के बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। स्टोरों का विजिट किए हैं, उनसे मिले हैं, उनकी क्या मांगे हैं, क्या रखेंगे? देखिए वो तो बेचारे बहुत परेशान हैं और डरे हुए लोग हैं, मेरे साथ हैं, छह पार्टनर हैं, छह लोग अपने अलग अलग घरों में रहते हैं, परिवार डरे हुए हैं, सबसे बड़ी बात है बच्चे बीवी ये डरे हुए हैं कि पता नहीं कहाँ पे गोली चल जाए, अब कौन बचे कौन ना बचे।